सो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो? सब बढ़िया ना? तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपना सीवियर डैंड्रफ, मुझे 3-4 साल पहले बहुत ही भयंकर वाला डैंड्रफ हो रहा था, और अब मतलब 3-4 साल बाद मैंने अपने उस डैंड्रफ को कैसे ठीक किया है, उसे कैसे क्योर किया है, उसे कैसे कंट्रोल किया है और अपने स्कैल्प को डैंड्रफ मुक्त किया है। ठीक है, तो आज की पूरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आई रिक्वेस्ट कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप पूरी वीडियो देखना, मतलब शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और क्या पता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी डैंड्रफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, वो सारे सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखें। तो अब अगर हम डैंड्रफ के बारे में थोड़ा बहुत जानें, तो पहली बार डैंड्रफ हमें तब होता है जब हमारे बालों में गंदगी, जर्म्स, बहुत बहुत बैक्टीरिया, गंदगी, ऑयल, प्रदूषण, जो भी पोल्यूशन, वो हमारे बालों में, हमारे स्कैल्प पे, बेसिकली हमारे स्कैल्प की वजह से ही हमें डैंड्रफ होता है, मतलब हमारे स्कैल्प पे ही डैंड्रफ होता है हमें। तो ये सारी गंदगी, पोल्यूशन, ऑयल सब इकट्ठा हो जाता है हमारे स्कैल्प पे, और फिर वो क्लीन नहीं होता है, तब उस बिल्डअप की वजह से, वो जो भार हमारे स्कैल्प पे हो जाता है उस गंदगी की वजह से, हमें डैंड्रफ हो जाता है। फिर दूसरा रीज़न है कि अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, मतलब अगर आपकी स्कैल्प ऑयली टाइप की है, जैसे हमारी स्किन ऑयली होती है, ड्राई होती है, कॉम्बिनेशन होती है, उसी तरह से अगर आपकी स्कैल्प ऑयली नेचर की है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है, और अगर वो टाइम टू टाइम वो साफ ना हो, अगर जैसे हम फेस वॉश करते हैं हमारे फेस से ऑयल पोल्यूशन निकालने के लिए, उसी तरह से अगर हम वो ऑयल निकालें ना, हमारे स्कैल्प पे वो ऑयल बना रहे, तो उस वजह से भी हमें डैंड्रफ होता है। ठीक है, फिर अगला रीज़न ये हो सकता है कि अगर आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं, या फिर जो भी हेयर सीरम यूज़ करते हैं, हेयर मास्क यूज़ करते हैं, हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, या अगर कंडीशनर भी यूज करते हैं, ठीक है, तो अगर उसका कोई भी प्रोडक्ट का कुछ भी पोर्शन या कुछ भी रेसिड्यू अगर आपका रह जाता है, और अगर वो आपकी स्पेशली आपकी स्कैल्प पे रह जाता है, तो आपको डैंड्रफ होने के पूरे चांसेस होते हैं। वो जो भी रेसिड्यू बच जाता है, फिर वो जर्म्स बैक्टीरिया के रूप में मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और फिर उस वजह से हमें वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वो डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, फिर देखो, मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ी थी, ये था कि जब मैं छोटी थी ना, तब मेरे को अपने हेयर वॉश करवाने में, मतलब मुझे अपने बाल धुलवाने में बहुत ही ज़्यादा आलस आता था। मैं ना महीने महीने तक, हफ्तों हफ्तों तक अपने बालों में बिना शैम्पू करे रहती थी, मतलब उस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था ऐसा, और उस वजह से, क्योंकि मेरे बालों में जो भी गंदगी है, बैक्टीरिया है, ऑयल है, पोल्यूशन है, वो सब इकट्ठा होता रहता था, और उस वजह से मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, फिर और भी आगे रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर एक और रीज़न है, अकॉर्डिंग टू डर्मेटोलॉजिस्ट, अगर आपको पोरोसिस है या फिर अगर आपको एक्जिमा है, तो उस वजह से भी आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें, तो देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है अपने स्कैल्प पे, मतलब अगर हेयर वॉश करने के 1 से 2 दिन बाद या 2 से 3 दिन बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा इचनेस होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है अपने स्कैल्प पे, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, अगर आपके हद से ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है, तो वो भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपको डैंड्रफ हो रही है। ठीक है, देखो, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, जब हमें हमारे स्कैल्प पे इचिंग होती है, मतलब जब हमारे स्कैल्प पे हमें खुजली होती है, और उस टाइम जब हम थोड़ा खुजाते हैं, तो वो ये ह्यूमन नेचर है, अगर खुजली हो गई तो हम खुजाएंगे ना, तो जब हम उसको खुजाएंगे ना, उसको इच को थोड़ा और थोड़ा अपने फिंगर से करेंगे, तो फिर जो हमारी जो स्कैल्प की जो रूट्स है ना, जो फॉलिकल्स हैं, वो इरिटेट होंगे ही, और उस वजह से हमें हेयर फॉल होता है। ठीक है, तो अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ एक बार ये देखिए कि अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है कि नहीं। अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है, तो पहले अपने डैंड्रफ को ट्रीट कीजिए, उसको ठीक कीजिए, उसे कंट्रोल कीजिए, और फिर ट्रीट होने के बाद ऑटोमेटिकली आपको ये लगने लगेगा कि आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हुई है। हाँ, हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन डैंड्रफ भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हेयर फॉल होने का। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब पहले मैं अपना जो भी प्रोसीजर फॉलो करती हूँ, जिससे मुझे जो मेरा सीवियर डैंड्रफ था, जो भी मेरी सीवियर खतरनाक वाला डैंड्रफ था, उससे मैंने किस तरह से कंट्रोल किया, उसे किस तरह से क्योर किया, उसे किस तरह से ठीक किया है, वो प्रोसीजर आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर और भी आगे आपको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बतानी है डैंड्रफ से रिलेटेड, जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो पहले वो प्रोसीजर जान लेते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है हेयर ऑयलिंग की। आई नो आपको लगेगा कि
डैंड्रफ जब होता है तो ऑयल नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जब ऑयल लगाते हो तो उस वजह से आपके और ज़्यादा डैंड्रफ होने लग जाते हैं, वो मल्टीप्लाई होने लग जाता है, वो यीस्ट या जो भी बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। देखो मैं सबका कुछ नहीं ले रही, किसी की भी कुछ भी बात को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही, या कुछ भी ये नहीं बोल रही कि वो गलत बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ बता रही हूँ कि देखो मैंने भी ये चीज़ ट्राई की थी। जब मुझे डैंड्रफ हुआ था ना, तो मैंने सारे ऑयल, सारे हेयर मास्क, जो भी नरिशमेंट हमें जिस भी चीज़ से मिलता है, जिस भी हमारे स्कैल्प मॉइस्चराइज रहती है, हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है, वो सब चीज़ें छोड़ दी थी। और उस वजह से देखो क्या हुआ कि मेरी डैंड्रफ तो ठीक नहीं हुआ, सच बताऊँ मेरा डैंड्रफ तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, मेरी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। मुझे उसमें मतलब ऐसा होने लग गया था कि उस ड्राइनेस की वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटने लग गए थे, मुझे हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो अकॉर्डिंग टू मी ये ऑयल छोड़ देना या हेयर मास्क छोड़ देना या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके स्कैल्प को, जो आपके बालों को हाइड्रेशन मॉइस्चर देती है, उन सबको छोड़ देना। क्यों? क्योंकि वो आपके डैंड्रफ को बढ़ाते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, ठीक है। फिर मैंने हेयर ऑयल लगाना शुरू किया, लेकिन बहुत सारी रिसर्च करी उससे पहले, तो वो मैं आपके साथ बताने वाली हूँ। तो देखो पहले मैं क्या करती थी कि मैं रात को तेल लगा के सो जाती थी और फिर सुबह हेयर वॉश कर लेती थी। तो देखो ये ओवरनाइट हेयर ऑयल का जो ट्रीटमेंट है ये नो डाउट अच्छा है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको डैंड्रफ का इशू नहीं है, जिन्हें कोई भी डैंड्रफ या फिर लेकिन ऐसे इचिंग वाला इशू नहीं है अपने स्कैल्प पे, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये चीज़ मुझे बहुत देर बाद पता चली है, लेकिन चलो थैंक गॉड पता तो चली। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं सुबह हेयर वॉश करने से 1 से 2 घंटे पहले या फिर आधे से 1 घंटा पहले, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, आधे से 1 घंटा पहले कोई भी हेयर मास्क या कोई भी ऑयल या फिर कुछ भी मुझे अगर अपने बालों में नरिशमेंट के लिए, हाइड्रेशन के लिए लगानी हो तो मैं वो लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद हेयर वॉश कर लेती हूँ। अभी बेसिकली मैं वो हेयर मास्क के लिए सिर्फ एलोवेरा जेल और उसमें जो मैं रेगुलर ऑयल यूज़ करती हूँ उसको थोड़ा सा मिक्स करके और फिर हेज़ अ हेयर मास्क लगा लेती हूँ। और हेयर ऑयल के लिए मैं कोई भी फैंसी ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, कोई भी मार्केट का जो भी ब्रांड्स के जितने भी ऑयल प्रकट हैं, मतलब जितने भी ऑयल आज के मार्केट में मिलते हैं, वो ऑयल मैंने लगाना छोड़ दिया है। मैं अपना खुद का ही बना हुआ मिक्सचर, हाँ मार्केट वाला यूज़ करती हूँ, लेकिन वो जो सो कॉल्ड ब्रांड्स में मार्केट वाले आते हैं ना कि वो एंटी डैंड्रफ वाले, कि वो आपके बालों के जो भी डैंड्रफ है उसको ठीक कर देगा, हेयर फॉल के लिए जो भी तेल आते हैं मार्केट में, या फिर एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा जो भी ऑयल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जो क्लेम करते हैं कि वो आपके डैंड्रफ को ठीक कर देंगे, आपके हेयर फॉल को ठीक कर देंगे, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, शाइनिंग बनाएंगे, वो सारे ऑयल्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अपना खुद का एक मिक्स बनाती हूँ ऑयल का, मैंने बना रखा है, और वही ऑयल मैं यूज़ करती हूँ अपने बालों में। मैं 1.5 महीना हो चुका है उसको यूज़ करते हुए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बेसिकली वो ऑयल क्या है, मैं यूज़ करती हूँ पहले कोकोनट ऑयल मतलब गोली का तेल, फिर उसमें डालती हूँ कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, फिर उसमें डालती हूँ आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल, और फिर उसमें डालती हूँ सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। गोले का तेल मैं अभी पैराशूट वाला यूज़ कर रही हूँ और वो मुझे अच्छे सूट करता है, तो मैं भी वही यूज़ कर रही हूँ। फिर आलमंड ऑयल की बात करें तो मुझे ऑल टाइम फेवरेट वो रोगन बादाम श्री वाला जो ऑयल आता है वही यूज़ कर रही हूँ। अभी तक तो मुझे ऐसे कंपेरेटिव में कोई ऐसा ऑयल नहीं मिला है जो उसके मुकाबले, मतलब मुकाबले का हो, टक्कर का हो। मैं भी देख रही हूँ कि अगर उसके थोड़े बहुत ऑयल मैंने देखे हैं, देखते हैं कि वो कितने अच्छे होते हैं, क्या मुझे उन ही प्राइस में, उस ही क्वालिटी में, इसके कंपेरेटर में अगर वो ऑयल मिलेगा तो मैं आपके ज़रूर शेयर करूँगी। फिर कैस्टर ऑयल यानी अरंडी के तेल के बारे में बात करें तो देखो मैं जो ग्रोसरी शॉप होती है या फिर जो भी परचूने की दुकान होती है, जो भी हमारी मार्केट होता है हमारे घर के पास में, जहाँ पे भी हमें अनाज वगैरह दाल वगैरह मिलती है, वहीं से मैं आज तक कैस्टर ऑयल यूज़ करती आ रही हूँ। अभी मैं ये वाला फिलहाल कैस्टर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने अपनी लोकल शॉप से घर के पास जो अनाज वाली शॉप होती है वहीं से ख़रीदा है, और ये वाला ऑयल मुझे काफ़ी हद तक सूट कर रहा है। फिर अगर मैं मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल के बारे में बात करूँ तो फिर वही ऑयल जो हम खाने में यूज़ करते हैं या फिर जो हम दीपक बनाने में वो यूज़ करते हैं, जो हमारे घर पे ऑयल है मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, वही मैं यूज़ करती हूँ उस मिक्स में, ठीक है। तो मैंने डाला गोले का तेल, सरसों का तेल, बादाम का तेल और अरंडी का तेल, ठीक है, इनको मिक्स किया। फिर मैंने उसमें डाला कैम्फर यानी कपूर यानी पूजा वाला कपूर, मतलब जो भी हम पूजा में, धूनी में, जो भी दीपक में, जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं ना, वही कपूर मैं यूज़ करती हूँ, मतलब वही कपूर मैं डालती हूँ अपने ऑयल में। मैंने वो अलग से अपने हेयर ऑयल के लिए अलग से वो कपूर निकाल के साइड में रख रखा है कि ये वाला मेरे हेयर ऑयल के लिए और वो वाला जो साइड में है वो पूजा के लिए, ठीक है, उन दोनों को मैं मिक्स नहीं करती, अलग अलग रख रखा है, ठीक है।
फिर अगर हम ये बात करें कि कैम्फर क्यों, यानी कपूर क्यों, कैम्फर में नेचुरल एजेंट होते हैं, नेचुरल कूलिंग एजेंट होते हैं, जो हमारे इरिटेटेड स्कैल्प हो जाती है जब हमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है हमारे स्कैल्प पे, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया बिल्डअप की वजह से हमारी स्कैल्प की हीट बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो उस इन्फ्लेमेशन को, उस हीट को कूल डाउन करने के लिए कैम्फर बहुत ही अच्छा एजेंट है। कैम्फर में, मतलब कपूर में, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, और वो आपकी डैंड्रफ को क्योर करने में, आपकी डैंड्रफ को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मुझे कम से कम 1.5 महीना हो गया इसको यूज़ करते हुए, और मुझे, मतलब मेरे लिए तो इसने मेरे डैंड्रफ की प्रॉब्लम को काफ़ी, मतलब पूरी तरह से ठीक किया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी मैं अपने शैम्पू की जो भी प्रक्रिया होती है उससे अपने हेयर को वॉश कर लेती हूँ। अब ऑयलिंग किस तरह से, इस तरह से, मतलब मैं अपने बाले बालों को अच्छे से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ, और फिर सिर्फ अपने स्कैल्प पे फोकस करते हुए, अपने रूट्स पे फोकस करते हुए थोड़ा थोड़ा ऑयल लेना, ज़्यादा भर के नहीं लगाना। मैं पहले भर के लगाती थी, और शायद ये भर के लगाने वाली वजह से ही शायद मेरे डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ गई थी। तो मैं बस थोड़ा थोड़ा करके अपने स्कैल्प पे, अपने रूट्स पे लगा लेती हूँ, और जो थोड़ा बहुत बच जाता है ना, फिर मैं अपने हेयर लेंथ पे लगा लेती हूँ, और अपने स्प्लिट एंड्स पे, मतलब स्प्लिट एंड नहीं, मतलब जहाँ पे मैं स्प्लिट एंड्स होती है अपने हेयर एंड्स पे, ठीक है, तो वहाँ लगा लेती हूँ। तो भर भर के तेल लगाने से भी, या फिर खोप के पूरे बोतल पूरी तेल की अपने स्कैल्प पे उड़ेलने से भी हमारे बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऑयल बिल्डअप हो जाता है, और उस वजह से हमें डैंड्रफ हो जाता है। ठीक है, फिर अब बारी आती है शैम्पू करने की। तो अब मैं शैम्पू में भी कुछ मिक्सिंग करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जो हमारा रेगुलर शैम्पू होता है, मैं अभी गुड वाइब्स का ये केराटिन वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे इतना खास पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे को सूट कर रहा है, इतने से कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हैं इससे, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैं ये सनसिल्क वाला, ये रेड एंड वाला शैम्पू यूज़ कर रही थी, ये भी अच्छा है, मुझे सूट किया, तो मैं इसको पहले यूज़ करती थी। अब मैं ये गुड वाइब्स वाला यूज़ करती हूँ, तो मैं ये शैम्पू लेती हूँ। मतलब मैं पहले क्या करती हूँ, वो कटोरी या फिर जो भी ग्लास या जो भी मग, जो भी आपको लेना है, उसमें मैं सबसे पहले डालती हूँ ACV, यानी एप्पल साइडर विनेगर। ठीक है, फिर मैं उसमें डालती हूँ पानी। आपको ACV और पानी उसका इक्वल प्रपोर्शन रखना है, यानी अगर आप 50% ACV यानी एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हो, तो आपको 50% लेना है पानी। प्लीज़ 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 ACV को डायरेक्ट मत डालना अपने सिर पे, वरना आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और अगर आप डायरेक्ट डालोगे ना बिना डाइल्यूशन के, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा आपके स्कैल्प पे, और बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जलन होगी। ठीक है, तो 50:50 का प्रपोर्शन ध्यान में रखना। ठीक है, तो मैं ये पानी और ये ACV डाल के फिर मैं उसमें अपने रिक्वायरमेंट हिसाब से डालती हूँ शैम्पू, जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, फिर देखो एक और बात है, एक और टिप देती हूँ आपको, जो भी आप शैम्पू यूज़ करो ना, अपने रिक्वायरमेंट जो होती है ना, वो होनी चाहिए आपकी स्कैल्प के हिसाब से, अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से, या फिर जितना भी आपको शैम्पू यूज़ लगता है हमेशा की तरह वैसा मत लो। आपकी स्कैल्प को जितना शैम्पू लगता है उतना ही लो। क्या होता है कि जब हम शैम्पू लगाते हैं ना, तो हम झाग बन जाते हैं ना हमारे शैम्पू पे, तो फिर वो जो शैम्पू का झाग होता है उसको नीचे लाते 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 आप अपने उसी से ही आपका हेयर लेंथ धुल जाएगा। बट ट्राई तो करो, वो हेयर लेंथ उसी शैम्पू से, उसी झाग से साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि जब भी हम हमारे हेयर लेंथ पे एक्स्ट्रा शैम्पू लगाते हैं ना, तो हमारी हेयर लेंथ उससे ड्राई होती है, हमारी हेयर लेंथ पे जो भी मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है, और हमारे बाल रूखे सूखे हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने स्कैल्प के हिसाब से ही शैम्पू लेना, आपके पूरे बाल धुल जाएंगे। ठीक है, तो अब ACV क्यों, देखो ACV में होते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, और बहुत सारे ऐसे एसिड होते हैं, मैलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, और ये सारे एसिड मिलके हमारे बालों में जो भी बैक्टीरिया, मतलब हमारे स्कैल्प पे जो बैक्टीरिया, जो भी फंगल, जो भी ईस्ट, जो भी फंगल इन्फेक्शन हो गया है, उसको क्योर करता है, उसे ठीक करता है, हमारे डैंड्रफ को हमारे स्कैल्प से हटाने में काम करता है। ठीक है, मैंने अपने इस, यहाँ पे आई बटन में वीडियो शो हो जाएगी, मैंने इस वीडियो में अपना जो स्पॉट ट्रीटमेंट बताया है एक्नो पिंपल्स के लिए, उसमें भी मैंने मुल्तानी मिट्टी प्लस ACV का डाइल्यूशन लिया है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि ACV में एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, और वो आपके जो भी स्कैल्प ले लो, चाहे आपके पिंपल्स ले लो, एक्ने ले लो, उस पर जो भी बैक्टीरिया, जो भी जर्म्स होते हैं उसको साफ करता है, और आपके चाहे पिंपल्स हो, पिंपल्स पर लगाओगे तो पिंपल ठीक हो जाएगा, और अपने स्कैल्प पर लगाओगे तो आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम ठीक होगी। अब देखो, आप चाहो तो ACV यूज़ कर सकते हो, यानी एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लेमन जूस, यानी जो भी हमारा पूरा नींबू होता है ना, उस पूरा एक नींबू का जूस यूज़ कर सकते हो। वही आपको करना है कि आपने पूरा एक नींबू का जूस निकाल लिया, फिर आप उसमें इक्वल अमाउंट में पानी मिक्स करोगे, और फिर उसमें आप मिक्स करोगे शैम्पू।
हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हो उसको हमेशा डाइल्यूशन फॉर्म में लेना, क्योंकि शैम्पू में होते हैं केमिकल्स, और केमिकल्स अगर आप डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे लगाओगे, चाहे आपने अपने बालों को गीला कर रखा हो, फिर भी उसको अच्छे से डाइल्यूट करके ही शैम्पू को और फिर अपने बालों में लगाना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली वो शैम्पू लगाओगे ना, तो कहीं ना कहीं जो भी शैम्पू में केमिकल्स होते हैं, जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो आपके स्कैल्प पे इरिटेशन देंगे और आपके बालों में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर अब बारी आती है कंडीशनर की। अब देखो फिर से वही, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको डैंड्रफ हो रही है, अगर आपके स्कैल्प इरिटेशन हो रही है, अगर आपको फ्लेकीनेस हो रही है, अगर आपके व्हाइट व्हाइट पार्टिकल्स जो भी है वो डैंड्रफ निकल रहा है, तो आप कंडीशनर यूज मत करो, कंडीशनर में ऑयल्स होते हैं और वो आपके डैंड्रफ को वापस लाएगा। ठीक है, देखो हाँ कंडीशनर में ऑयल होता है, लेकिन कंडीशनर स्कैल्प पे नहीं लगता, हेयर लेंथ पे लगता है। स्कैल्प पे होते हमें डैंड्रफ, हमारी हेयर लेंथ पे नहीं होते। तो अगर आप ढंग से तरीके से कंडीशनर लगाओगे तो आपको कंडीशनर के बेनिफिट्स मिलेंगे भी, और उस कंडीशनर की वजह से आपको डैंड्रफ नहीं होगा। मैंने अपनी आई बटन वाली, मतलब इस वीडियो में यहाँ पे आई बटन आपको शो हो जाएगा, मैंने अपनी कंडीशनर वाली वीडियो में आपको बताया है, स्कैल्प पे कंडीशनर लगाने से वो ऑयल बिल्डअप आपके स्कैल्प पर रह जाता है, क्योंकि कंडीशनर में ऑयल होता है, वो आपके बालों को मॉइस्चर देने के लिए होता है कंडीशनर, तो उसमें ऑयल होता है। अगर आप स्कैल्प पे लगाओगे तो फिर वो ऑयल इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पे, और फिर आपको पोर्स क्लॉग हो जाएंगे आपके फॉलिकल्स, और फिर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंडीशनर को अपने हेयर लेंथ पे लगाओ। जैसे मैं लगाने के बाद 1 से 2 मिनट रुकती हूँ और फिर अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, और फिर आखिरी में एक बार पूरी स्कैल्प से लेकर, मतलब रूट से लेकर अपने हेयर लेंथ तक अच्छे से, अपने चाहे थोड़ा एक्स्ट्रा पानी लग जाए लेकिन पूरा अच्छे से साफ कर लेती हूँ, जिससे जो भी रेसिड्यू अगर कुछ भी रह जाता है ना, तो वो भी अच्छे से साफ हो जाता है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि कोई भी रेसिड्यू, कोई भी शैम्पू का या कंडीशनर, कोई भी रेसिड्यू आपकी हेयर लेंथ पे या फिर आपके स्कैल्प पे नहीं बचना चाहिए। अगर बच गया ना, तो आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ सकती है या हो सकती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर बाल धुल गए, अब बालों को बांधने की, मतलब अपने जो भी एक्सेस वाटर होता है उसको स्क्वीज आउट करने की बारी आती है। तो मैं इस तरह से, मेरे पास एक कॉटन की टी शर्ट है, इसको टॉपर बोल लो, ये मैं इसको यूज़ करती हूँ, अपने बालों में अच्छे से बांध लेती हूँ, जो भी एक्सेस वाटर होता है उसको स्क्वीज आउट कर लेती हूँ और फिर इसको हटा लेती हूँ। देखो इसको ना बांधे रखना भी सही चीज़ नहीं है, और अपने बालों से एक्सेस वाटर ना निकालना वो भी सही चीज़ नहीं है। तो मैं इसी तरह से, मतलब अपने बालों में चीज़ को बांध के, फिर जो भी एक्सेस वाटर होता है उसको स्क्वीज आउट करके और फिर उसको हटा लेती हूँ। ये जो भी हम टाल बांधते हैं, जो भी हम माइक्रोफाइबर टाल बांधते हैं, या फिर जो भी हम बालों में अपने जो भी स्कैल्प पे जो भी हम बांधते हैं ना अपने बालों को, जैसे बाल धोने के बाद जो भी हम बांधते हैं बालों में, उसको बहुत देर तक बालों में लगा के रखना भी अच्छी चीज़ नहीं है। तुरंत ही उसको बालों में लगाना, मतलब बांध लो, जो भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाए और फिर उसको हटा लो। ये गीली चीज़ अगर आप बालों में बांध के रखते हो ना, क्योंकि वो पानी जब उसमें इकट्ठा हो जाता है ना, वो जो भी एब्जॉर्व कर लेता है वो कॉटन की चीज़, उसको बांध के रखते हो तो वो गीला हो जाता है, और फिर उस गीली चीज़ को, मतलब उस गीले कपड़े को अपने स्कैल्प के बांध के रखना, उस वजह से भी आपके बालों में, मतलब अपने स्कैल्प पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और फिर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस गीली चीज़ को बांध के मत रखना, फिर अपने बालों को एयर ड्राई कर लो। मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप जितना हो सके धूप में, या फिर आप जो भी हवा है, नेचुरल जो हमारी हवा है, जो नेचुरल एयर है, उसमें ही हमारे बालों को सुखाओ। लेकिन आप चाहते हो, अगर आप नहीं हो रहा, अगर आपसे आपको जल्दी है, तो आप ब्लो ड्राई कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना कि आपका जो भी ब्लो ड्राई की जो भी स्पीड है उसको थोड़ा कम ही रखना, मतलब उसको कोल्ड साइड ज़्यादा रखना, हॉट साइड कम रखना। ठीक है, तो आपने ब्लो ड्राई कर लिया या फिर अपने बालों को सुखा लिया, एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि चाहे आप ब्लो ड्राई करो या फिर अगर आप हवा में बाल सुखाओ या फिर धूप में बाल सुखाओ, अपने बालों को अच्छे से सुखा लेना, अपने स्कैल्प को अच्छे से सुखा लेना। बेसिकली अपने स्कैल्प को अच्छे से सुखा लेना, आपके बाल तो जल्दी सूख जाते हैं, अपने स्कैल्प को अच्छे से सुखा लेना, क्योंकि अगर वो गीली रह जाती है और फिर गीले ही बाल अगर आप बांध लोगे ना, तो फिर वही बात की फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया बिल्डअप, जर्म्स बहुत सारा इकट्ठा होने लग जाता है, मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं अपने आप ही, और फिर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम, स्किन इन्फेक्शन या स्कैल्प इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और अगर किसी रीजन से अगर आपके बाल गीले हो भी जाते हैं ना, तो पहले उनको सुखा लो और फिर बांध लो। ठीक है, तो मतलब बाल सूख गए, उसके बाद मैं बेसिकली मैं प्लीज बना के रखती हूँ घर में, या फिर अगर कहीं जाना हो बाहर तो मैं पोनटेल बना लेती हूँ, और फिर जो भी हेयर स्टाइल करनी तो वो कर लेती हूँ। तो ये मेरा पूरा ट्रीटमेंट या प्रोसीजर जो मैं फॉलो करती हूँ, और इससे मेरी डैंड्रफ की प्रॉब्लम काफ़ी 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 हद तक, मतलब एक तरह से मान लो पूरी तरह से ठीक हुई है। और एक और चीज़ बता रही थी, जब मैं मतलब बाल गीले सूखे होते हैं ना मेरे, जब बाल धोने के बाद थोड़े हल्के गीले सूखे होते हैं, तो मैं सीरम अप्लाई कर लेती हूँ अपने हेयर लेंथ पे। ठीक है, तो मैं ये कर लेती हूँ सीरम, तो ये पूरा रूटीन हो गया। ये वीडियो जब मैंने एडिट करी थी ना, तो ये 30 मिनट से ज़्यादा की हो रही थी,
और इस वीडियो का हर एक पार्ट, हर एक क्लिप बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इसकी कोई भी क्लिप डिलीट नहीं कर सकती। तो इस पूरी कंप्लीट वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट वन और पार्ट टू। और इन दोनों वीडियोस को, मतलब इन दोनों पार्ट्स को मैं एक साथ ही अपलोड कर दूंगी, मतलब पहले पार्ट वन और उसके थोड़ी देर बाद में ही पार्ट टू, ठीक है। तो जब आप पूरा कंप्लीट अच्छे से इस पार्ट वन वाली वीडियो को देख लो, उसके बाद पार्ट टू को भी आप अच्छे से देखना, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करी है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली, ठीक है। पार्ट टू का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड स्क्रीन में भी आपको शो हो जाएगा और आई बटन में भी मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो इन दोनों ही वीडियोस को आप अच्छे से देखना, ठीक है।